दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल अलजजा में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या दुबई में विजिट वीज़ा और आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को बंद करने की खबर है। ओमिक्रॉन वेरियंट जो आया हुआ है कोरोना का, इसको चलते क्या दुबई गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि वो लोग जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका का है वो बंद कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो है दोस्तों जो टूरिस्ट वीज़ा निकल रहा है सबको बंद करने की क्या अपडेट है। तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और गर्ल्स रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों नमाज़ पढ़ना शुरू करें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर आप लोग को दुबई का विजिट वीज़ा चाहिए है, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए है, या फिर आपको आज़ाद वीज़ा, जॉब वीज़ा चाहिए है कतर का और दुबई का, या फिर इमिग्रेशन कराना है, कतर का डॉक्यूमेंट नहीं है, दुबई का डॉक्यूमेंट नहीं, आपको इमिग्रेशन कराना, तो वो हो सकता है। और आपको अगर मेडिकल में कोई हेल्प चाहिए है सऊदी, ओमान, कुवैत, बहरीन के लिए, तो वो आप करवा सकते हैं। जो मेरा दिया हुआ नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप डाल के, रिप्लाई मिलने में दोस्तों थोड़ा सा लेट लगेगा क्योंकि मुझे एक दिन में हज़ारों मैसेजेस आते हैं, तो जिस हिसाब से मैसेज आता है उस हिसाब से मैं लोगों को रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि इस वक्त कोरोना जो थर्ड लहर है उसका बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, सऊदी ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, और ये हो रहा है दोस्तों कि क्या दुबई, कतर ये सब भी फ्लाइट्स को बंद कर देगा, या दुबई ने विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, या फिर जॉब वीज़ा को बंद कर दिया है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश के लिए। तो इस सूरत हाल में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जिसमें, या कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसमें दुबई गवर्नमेंट ने कहा हो कि वो लोग विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, 1 महीने वाला, 3 महीने वाला, या फिर दुबई को फिर से लॉकडाउन में डाल लें, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल रहा था उसको बंद कर रहे हैं, ऐसी कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है। यहाँ तक कि दोस्तों जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इंडिया के लिए अभी तक बंद था वो अब खुल चुका है। मेरे ऑफिस में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आए हुए हैं जिसका रिक्रूटमेंट चल रहा है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि हम लोग जो है अलजज़ा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का काम करता है, दुबई का विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का नहीं करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस होते हैं। हम लोग सिर्फ अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का काम कर रहे हैं, दुबई का, कतर का कर रहे हैं। कतर का भी वीज़ा नहीं है ऑफिस में, इंशाल्लाह वो भी फिर से कुछ जॉब्स आएंगी तो मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन दोस्तों हाँ, अभी जो टूरिस्ट वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा बल्क में निकल रहे हैं, 1 महीने 3 महीने वाले जॉब वीज़ा ऑलरेडी निकल रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लिए, ये सब निकल रहा है। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी आपका टूरिस्ट वीज़ा दे सकता हूँ, आपको जॉब वीज़ा दे सकता हूँ। और ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि दुबई गवर्नमेंट फ्लाइट्स बंद कर रही है, कतर गवर्नमेंट फ्लाइट्स बंद कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुला है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी ये खुला रहेगा। ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है जितना सेकेंड वेव जो डेल्टा वायरस था जितना ख़तरनाक था उतना नहीं है। तो ऐसा हो कि चीज़ें बंद हो तो ऐसी उम्मीद बहुत कम है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में है, कोई कह नहीं सकता कि ये लोग करेंगे कि नहीं, लेकिन दोस्तों जहाँ जो अभी सिचुएशन है उसको लेकर लगता है कि बंद नहीं करेंगे कतर और दुबई अपने आप को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।